नमस्कार साथियों, मैं जगमोहन द्विवेदी अन अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और मुझे 15 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है पीएससी यूपीएससी के फील्ड में। अभी जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की जो चौथी यूनिट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होकर हमसे जुड़ सकते हैं। और जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन थिंकर्स में आज जो अपना सेशन है, आज का सेशन राम मनोहर लोहिया जी के बारे में है, तो आज हम राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनके विचारों को समझेंगे और पीएससी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी समझेंगे, प्रश्नों की जो प्रकृति है उस प्रकृति को समझेंगे, साथ में हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं पीएससी में इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे समझेंगे। पीएससी का जो अब नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर आप देखोगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, उनका एनालिसिस क्लियर करें और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उन प्रश्नों को भी समझें, उन प्रश्नों का एनालिसिस करें, बाकायदा प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखकर काम करें। और हमारी जो परीक्षा है उस परीक्षा में किस प्रकार से हम अपना डेवलपमेंट करें, सिलेक्शन के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, प्रश्नों की प्रकृति को कि समझना है, उनको आंसर लिखना है, आंसर में प्रस्तुतिकरण कैसा हो, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इस सेशन में रहेंगी आपके पास, तो ये सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं जो हमारा विषय है, उस विषय को आपको राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जो उनकी दृष्टि है उस दृष्टि को हम आपको समझाएंगे। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी पर आप मुझसे जुड़कर, कनेक्ट होकर, सब्सक्राइब होकर आप अपने स्टडी को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हो, अपने रिजल्ट तक ले जा सकते हो। तो आपके रिजल्ट में जो भी हेल्पफुल है वो अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रही है। जो फ्री प्लान होता है उसमें 500 से अधिक फ्री लाइव क्लासेस रहती हैं एक वीक में, 20,000 से अधिक क्वेश्चंस रहते हैं और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी रहते हैं। जो स्पेशल क्लास होती है वो एक लाइव क्लास होती है, आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो, चैट के द्वारा, रेज हैंड के द्वारा अपनी बात पूछ सकते हो, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आज मैं 10 बजे क्लास लूँगा इस पर। जो ऐसे बच्चे हैं जो उनको जिनके पास फीस का अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट का यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट लेकर अपना एडमिशन क्लियर कर सकते हैं। चाहे एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, एमपीजीके हो, इनके मॉक टेस्ट, इनकी टेस्ट सीरीज हमेशा अवेलेबल रहती हैं। ये अलग अलग जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उन एजुकेटर के द्वारा आपको सी सेट का पेपर, हर पेपर का एनालिसिस के थ्रू तैयार करवाया जाता है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी का तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल नंबर के माध्यम से उसे लॉगिन कर सकते हो। आपको फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए मेरा कोड है JAGMOHNLIVE, उसका उपयोग कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनलिमिटेड असेस के द्वारा, प्रॉपर डाउट क्लियर सेशन के द्वारा आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं, अभी 22 सितंबर से शुरू हुआ है,
पटवारी का भी 22 सितंबर से शुरू हुआ है और एमबीबीएससी प्रीलिम्स का भी 23 से शुरू हुआ है। एक जम्बो ऑफर चल रहा है, यदि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है, और 12 महीने का लेते हो 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है। सब्सक्रिप्शन करने पर आप कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, इससे आप नोटिफाइड होते रहो और मुझसे मिलते रहो। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1923 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरा लाल था और माता का नाम चंद्रा देवी था। इनकी जो पार्टी का नाम था वो था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और 12 अक्टूबर 1967 पे इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चिंतन वास्तव में एक अलग तरह का चिंतन है। उनने कई सारी किताबें लिखी, इस किताब का नाम ही है समाजवादी चिंतन, और उनकी किताब जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रही वो थी भारत विभाजन के गुनहगार। जो भारत विभाजन के गुनहगार पर उनकी किताब थी वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी उसका किया गया। मार्क्सवाद और समाजवाद में तुलना, संसदीय आचरण कैसा हो, समलक्ष संबोध, अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, भारतीय शिल्प, हिंदू बनाम हिंदू, ऐसी इन्होंने कई सारी रचनाएं की, ठीक है ना। ये इनकी रचनाएं आप याद कर सकते हो। रचनाओं पर 3 नंबर का सवाल आता है, तो वो 3 नंबर का सवाल है, आप इन रचनाओं को तैयार करके सॉल्व कर सकते हो। अब इनका जो सामाजिक दर्शन है, वो सामाजिक दर्शन का जो आधार है, वो आधार है द लाइफ डिवान, सिंथेसिस ऑफ योगा, एनएसए ऑन गीता, सावित्री, योग समन्वय, द सीक्रेट ऑफ वेदा, ऐसी कई जो चीज़ें हैं उन कई चीज़ों के आधार पर इनका सामाजिक दर्शन डेवलप होता है, ठीक है ना। अब देखिए, आप इनको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक अलग अलग पॉइंट से। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो राम मनोहर लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया ने 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी पार्टिसिपेट किया, लीड किया। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, ये सारे लोग से भारत छोड़ो आंदोलन के समय लीड कर रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोग थे उन्हें अरेस्ट कर लिया था। तो इन्होंने गुप्त रेडियो के माध्यम से ये चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब मुद्दे पर अपन आते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांतियों की चर्चा की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांतियों की चर्चा की थी। वो सप्त क्रांतियां क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उनको आप समझ लीजिए। लोहिया कहते हैं कि अगर वास्तव में हमें अपने समाज को परिवर्तित करना है, समाज में सुधार करना है और अन्याय के खिलाफ काम करना है, तो उसके लिए हमें अन्याय के विरुद्ध एक धर्म युद्ध चलाना होगा। अन्याय के विरुद्ध एक धर्म युद्ध चलाना होगा, और ये धर्म युद्ध 7 क्रांतियों के आधार पर होगा। सेवन रेवोल्यूशन ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनका पहली जो क्रांति है वो सुन लीजिए आप। पहली क्रांति है कि चमड़ी का जो रंग है, यानी रंग के आधार पर, तो चमड़ी के रंग के आधार पर जो राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता पैदा की गई है, इसके विरुद्ध क्रांति। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि पहली क्रांति क्या है, पहली क्रांति ये है जो रंग भेद है, यानी रंग के आधार पर जो राजकीय व्यवस्था स्थापित की गई है, जो आर्थिक व्यवस्था स्थापित की गई है, जो मानसिक व्यवस्था स्थापित की गई है, और जो अंतर है, डिफरेंस है, इस डिफरेंस के खिलाफ क्रांति करनी होगी। नर नारी की समानता के लिए क्रांति करनी होगी। दूसरी क्रांति, नर नारी के बीच या स्त्री पुरुष के जो भेद है, उस भेद को समाप्त करने के लिए दूसरी क्रांति की इनने चर्चा की। पहली क्रांति क्या थी, रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर। दूसरी क्रांति थी नर नारी की असमानता के लिए। तीसरी क्रांति थी जो जन्मजात जाति प्रथा है, जो वंश आधारित जाति प्रथा है, उस वंश आधारित जाति प्रथा के खिलाफ
और जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए विशेष क्रांति, यानी वंशवादी राजनीति के विरुद्ध और पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने के लिए इन्होंने तीसरी क्रांति की बात की। यानी सात क्रांतियां हैं, उनमें तीसरी क्रांति ये है। चौथी जो क्रांति है, अस्त्रों के खिलाफ सत्याग्रह की क्रांति, यानी जो संसार में लोग अस्त्रों की होड़ पर अड़े हुए हैं, लोग हथियारों की खरीद में पैसा खर्च कर रहे हैं, उन हथियारों की खरीद में जो पैसा खर्च होता है उसके खिलाफ सत्याग्रह के माध्यम से क्रांति करनी होगी। जो विदेशी गुलामी है उसके विरुद्ध, जो स्वतंत्रता में भेदभाव है उसके विरुद्ध, जो लोक राज है उसके लिए, यानी पब्लिक की गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए, पब्लिक का शासन स्थापित करने के लिए क्रांति करनी होगी। व्यक्ति का जो निजी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन के में जो अनावश्यक हस्तक्षेप होता है, अन्याय के आधार पर हस्तक्षेप होता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना है, उस स्थापना के लिए भी क्रांति करनी होगी। निजी पूंजी की जो विषमता है, निजी पूंजी की विषमता के खिलाफ और आर्थिक समानता के पक्ष में एक योजना बनाकर, किसानों का उत्पादन बढ़ाकर क्रांति करनी होगी। ऐसी ये सात क्रांतियों की बात राम मनोहर लोहिया ने की थी। मैं दोबारा बता देता हूं, पहली जो क्रांति की इन्होंने चर्चा की वो रंग के आधार पर जो राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक व्यवस्था असमानता है उसको दूर करने के लिए, दूसरा नर नारी की समानता के लिए क्रांति है, तीसरा जो जन्मजात जाति प्रथा है और पिछड़े वर्गों का उत्थान है उसके लिए क्रांति है, चौथी जो अस्त्र है, हिंसा है, उसके खिलाफ जो सत्याग्रह की क्रांति है, उसके अलावा जो विदेशी गुलामी है, स्वतंत्रता है और लोक रक्षा है उसके लिए क्रांति, निजी जीवन में हस्तक्षेप है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए क्रांति, और जो निजी पूंजी की विषमता है, आर्थिक समानता के लिए क्रांति करनी होगी। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि ये सातों क्रांतियां संपूर्ण समाज में एक साथ चलती हैं और एक साथ चल रही हैं। आप ये नहीं कह सकती कि ये अभी आ गई हैं, ये सारी क्रांतियां एक साथ चलती हैं और एक साथ चल रही हैं, और संपूर्ण संसार को उन्हें एक साथ चलना ही पड़ेगा, और जब तक इन्हें एक साथ चलाते हुए आप इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक पूरे संसार में आप शांति स्थापित नहीं कर सकते हो, संसार का आप कल्याण नहीं कर सकते हो। यदि आपको संसार का कल्याण करना है तो इन सातों क्रांतियों को एक साथ चलाना होगा। अब जो दूसरा विचार है, बाद में हम इनके विचारों का सारांश भी आपको बताएंगे, समन्वय भी आपको करके बताएंगे, इनके जो सामाजिक दर्शन है उसको, चीजों को भी बताकर हम बताएंगे। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो विचार आपके प्रश्न में भी आपके आ सकता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी के बीच में तुलना, इनके बीच में जो समानता है, इनके बीच में जो अंतर है या नहीं है उसको समझना। पहली बात, लोहिया जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लोहिया जी गांधीवादी व्यक्ति थे, गांधी की वादी, गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधीयन आइडियोलॉजी है, गांधीयन प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के प्रति उनका कमिटमेंट था। राम मनोहर लोहिया की तरह, राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो गांधी जी की तरह ही अहिंसा का समर्थन करते थे, सत्याग्रह का समर्थन करते थे। राम मनोहर लोहिया भी यह कहते थे कि जो भारत का भारत है वो वास्तव में गाँव में बसता है, तो सबसे पहले हमें गाँवों का विकास करना होगा। यानी इस तथ्य तक राम मनोहर लोहिया और गांधी जी दोनों में समानता थी। गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और राम मनोहर लोहिया भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। गांधी जी विकास के लिए तृणमूल स्तर या विकेंद्रित विकास की अवधारणा के पक्षधर थे और ये भी पक्षधर थे। गांधी जी ने ही भारत विभाजन के पश्चात जो सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई उसके लिए, उस दंगे रोकने का प्रयास किया, राम मनोहर लोहिया ने भी प्रयास किया, ठीक है ना। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो अपने समाजवादी मित्रों के साथ, जयप्रकाश नारायण आदि के साथ, ये भूमिगत होकर इन्होंने रेडियो के माध्यम से एक कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था और सत्याग्रह को आगे चलाया था, लीड किया गया था। चार जो सिद्धांत हैं जिसमें गांधी जी और राम मनोहर लोहिया में एक रूपता है, वो चार सिद्धांत हैं। पहला है सत्याग्रह, दूसरा है साध साधन का सिद्धांत, तीसरा है जो कुटीर उद्योग है वो, और विकेंद्रीकरण, इनमें तीनों सहमति थी।
गांधी जी की तरह लोहिया जी ने भी कहा कि सत्याग्रह वास्तव में सहमति की अभिव्यक्ति है, लोकतांत्रिक सहमति होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो यूरोप था, यूरोप में ऐसा क्या कारण था कि वहां पर लोकतंत्र का विकास हुआ? उसका पहला कारण था संसदीय कारण और दूसरा कारण लोहिया जी ने बताया क्रांतिकारी कारण। उन्होंने कहा कि वास्तव में महात्मा गांधी ने संसदीय कारण और क्रांतिकारी कारण के बाद एक तीसरा विचार दिया, एक तीसरी क्रांति दी, एक तीसरा अस्त्र स्थापित किया, एक तीसरा सिद्धांत दिया जिससे संपूर्ण मानव जाति का उत्थान हो सके, औपनिवेशिक शासन का अंत हो सके, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। वो तीसरा था सत्याग्रह। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सत्याग्रह वॉज द थर्ड वे अबाउट द ह्यूमन इंडिपेंडेंस, अबाउट द ह्यूमन वैल्यू, अबाउट द डेमोक्रेटिक वैल्यू एस्टेब्लिश्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में जो हमें विकास करना है मानवीय मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, उसका तीसरा मार्ग सुझाया है राम मनोहर लोहिया ने। और पहला मार्ग था संसदीय कारण, संसदीय मार्ग, तीसरा था क्रांति का, दूसरा था क्रांति का, और तीसरा सत्याग्रह। तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि संसद हमेशा ये काम नहीं कर सकती और क्रांति भी हमेशा ये काम नहीं कर सकती है, तो कौन काम कर सकता है? तो केवल सत्याग्रही वह अवधारणा है जो गांधी जी का विचार है, जिसके माध्यम से वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो सकती है। एक अंतर है सत्याग्रह के संदर्भ में, जहां सत्याग्रह की अवधारणा का जो दर्शन है गांधी जी का, वो ईश्वर की अवधारणा से पर आधारित है, आध्यात्मिकता के आधार पर निर्धारित है। लेकिन जो लोहिया जी का सत्याग्रह है उसका आधार आध्यात्मिकता नहीं है, उसका आधार है नैतिक मूल्य। उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा की व्याख्या नैतिक मूल्यों के आधार पर की, जबकि गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा का जो विश्लेषण है वो आध्यात्मिकता के आधार पर किया। लोहिया जी ने भी जो नागरिक अविज्ञा है, सिविल लापरवाही है, अहिंसात्मक धरना है, हड़ताल है, भूख हड़ताल है, उपवास है, इन सब का समर्थन किया। लेकिन वो उपवास में जो आमरण अनशन है वो उससे सहमत नहीं थे। जहां गांधी जी उपवास को आग्नेयास्त्र मानते थे, ब्रह्मास्त्र मानते थे एक तरह से, वहां ये जो लोहिया जी है उसका ये सीमित उपयोग करने की मान्यता करते थे। वो कहते थे सीमित रूप से उपयोग होना चाहिए, इसका प्रयोग बलपूर्वक नहीं होना चाहिए, जबकि गांधी जी तब तक आमरण अनशन करने की बात करते थे जब तक सामने वाला या विरोधी व्यक्ति उसके हृदय में परिवर्तन ना हो जाए। ये डिफरेंस है गांधी जी और इनमें। अब गांधी जी ने साध साधन सिद्धांत दिया, उसमें क्या है? उसमें ये है कि लोहिया जी भी साध साधन के संबंध में गांधी जी की तरह सहमत थे, और वो कहते थे कि अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छा मार्ग होना चाहिए, अच्छे साधन होना चाहिए। जिस प्रकार से जो शब्द गांधी जी के थे वही शब्द लोहिया जी के भी थे। लोहिया जी ने कहा है कि सत्य की बजाय झूठ से कभी नहीं हो सकती, यानी झूठ तरीके से सत्य को नहीं जीता जा सकता है। स्वास्थ्य की प्राप्ति हत्याओं से नहीं हो सकती है, सत्य की बजाय झूठ से नहीं हो सकती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति हत्याओं से नहीं होती है। और एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता को समाप्त करके नहीं हो सकती है। किसी एक बुक में सारे पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं मिलेंगे, कशिश सिंह किसी एक किताब में सारे पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं मिलेंगे। जो बीए की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, जो बीए में पॉलिटिकल साइंस की किताबें चलती हैं उनसे आप ये थिंकर्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैं सारे थिंकर्स यूट्यूब के पर, यही अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं सारे थिंकर्स पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं कौटिल्य पढ़ा चुका हूँ, महात्मा गांधी को पढ़ा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सारे थिंकर्स करा दूंगा, आप ये वीडियो सुनकर भी तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो गांधी जी और दोनों राम मनोहर लोहिया दोनों भी जो साध साधन की पवित्रता है वो साध साधन की पवित्रता पर विश्वास करते थे। राम मनोहर लोहिया भी, हाँ मेरे नोट से हो जाएगा। इसके अलावा आपको और डिटेल पढ़ना है तो मैं प्लस पर पढ़ाऊंगा, तो वहां भी आप पढ़ सकते हो।
तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि छोटी मशीनें हैं, छोटी तकनीक है, जो ऐसी तकनीक जो आम आदमी के पर पहुंच है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप उस तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करोगे, जो बहुत बड़ी उद्योग अर्थव्यवस्था है या अनावश्यक उद्योगीकरण है, वो अनावश्यक उद्योगीकरण का, या जो बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योग हमारा शोषण कर सकते हैं, तो इनका ये समर्थन नहीं कर सकते थे। गांधी, राम मनोहर लोहिया भी गांधी जी की तरह विकेंद्रीकरण की बात करते थे, पंचायत संस्थाओं की समर्थन की बात करते थे। अब आध्यात्म विचारों में तुलना, गांधी ने कहा था कि मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि मेरे तरफ चारों ओर जो प्रत्येक वस्तुएं हैं जहां परिवर्तनशील हैं, वो सब के सब ईश्वरीय देन है, ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। गुड आफ्टरनून विवेक सिंह, यानी गांधी जी ईश्वर की अवधारणा का बड़ा समर्थन करते थे और ईश्वर की भांति आत्मा की अमरता की बात करते थे, पुनर्जन्मों कर्मवाद में विश्वास करते थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी धर्म और राजनीति के संरक्षण की बात करते थे। लोहिया जी के चिंतन में भी धर्म का महत्व तो है, लेकिन लेकिन लोहिया जी कहते हैं कि राजनीति तथा धर्म दोनों की जड़ एक ही है, किंतु उन्होंने कहा कि गांधी जी की तरह जो राजनीति और धर्म है उसका संरक्षण नहीं होना चाहिए। गांधी जी की तरह राजनीति और धर्म के संरक्षण को राम मनोहर लोहिया ने अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति को अविवेकी बना देता है, यानी उसकी विवेकशीलता को खत्म कर देता है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, सांप्रदायिकता बढ़ सकती है, और सांप्रदायिकता का बढ़ने का कारण ही यही है, सांप्रदायिकता का बढ़ने का कारण भी यही है। तो ये जो विचार हैं, इस विचार का मैंने एक समराइज आपको राम मनोहर लोहिया के विचारों को बताया। अब हम उनके सामाजिक चिंतन पर चर्चा कर लेते हैं। जाति व्यवस्था का विरोध किया, ये जो सामाजिक दर्शन में जो एरो बना है, ये थोड़ा आप इसको मत पढ़ना, ये दूसरी उनके अरविंद घोष की बुक्स के नाम यहाँ पर लिख गए हैं बाई मिस्टेक, ठीक है ना? तो आप इसको मत पढ़ना, ठीक है ना? अब सामाजिक दर्शन में इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा समाजवाद की मार्ग का अवरोध है, जाति प्रथा न्यून वर्ग का शोषण करती है, और जाति प्रथा व्यक्तिवाद और राष्ट्रीय विकास दोनों में अवरोधक है। उन्होंने अस्पृश्यता का भी विरोध किया कि जो जाति के आधार पर अस्पृश्यता है वो समाज के लिए विघटनकारी है, भारत के लिए बहुत विनाशकारी है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हरिजनों का मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन भी जगह जगह चलाए। अस्पृश्यता के निवारण का समाधान देते उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, वह तरीका है जिससे अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। हिंदू मुस्लिम के बीच जो वैमनस्यता है उसको खत्म करने की बात कहते थे। स्त्री और पुरुष की समानता पर बल देते थे, स्त्री पुरुष की समानता का समर्थक थी। जो स्त्री विरोधी प्रथाएं हैं, चाहे दहेज प्रथा हो, बहुपत्नी प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, उसका उन्होंने विरोध किया। और इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अभी खत्म नहीं हुआ, वो बात अलग है, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा जो शादियों में पैसा खर्च होता है उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना? शादियों में जो अनावश्यक पैसा खर्च करते हैं उससे अच्छा है कि वो पैसा आप कैदियों में बांट दो, उनको साड़ियां बांट दो, उनको चीजें दे दो। व्यक्ति अनावश्यक रूप से शादियों में वैभवपूर्ण खर्चा करता है, नुकसान पैसे का बर्बाद करता है, उससे बचना होगा। ये राम मनोहर लोहिया के सामाजिक विचारों का समराइज था। अब उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या थी, इकोनॉमिक विचार क्या थे? इकोनॉमिक आइडियोलॉजी संबंधी जो थॉट है राम मनोहर लोहिया की, जो उनकी किताब है सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसमें देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। राम मनोहर लोहिया समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे और वो कहते थे कि उत्पादन के साधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व होना चाहिए, राष्ट्र के स्वामित्व का वह समर्थन करते थे। पूंजीवादी और सब पूंजीवादी का वो पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करते थे और वो कहते थे कि पूंजी का समाजीकरण होना चाहिए,
और पूंजीवादी आधारित जो आर्थिक विषमताएं हैं उसको समाप्त करना होगा, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना होगा। जब तक आप आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण नहीं करोगे और लघु स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा नहीं दोगे, इसके लिए उन्होंने चौखंबा योजना दी थी। चौखंबा योजना जो ग्रामीण स्तर पर डेवलपमेंट की बात करती है, बड़े उद्योगों जैसे विद्युत इस्पात आदि में मशीनीकरण का उन्होंने समर्थन किया, निजी क्षेत्रों में जो शोषण होता है उस शोषण का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उन्नयन जब ही होगा जब आप कृषि का उन्नयन करोगे, जब तक आप कृषि का उन्नयन नहीं करोगे तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उन्नयन नहीं होगा। अब राजनीतिक दर्शन, राम मनोहर लोहिया राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तुत की थी, उसमें चौखंबा योजना के चार स्तर थे, गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। उन्होंने जिलाधीश के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था और उन्होंने कहा था जो पुलिस या अन्य सेवाएं हैं, जो जिला स्तर के जो व्यवस्था है समाज है, उस समाज के कंट्रोल में होना चाहिए। राज्य का जो समाजवादी स्वरूप है उस समाजवादी स्वरूप का इन्होंने समर्थन किया था, जो पंथ निरपेक्षता है उस पंथ निरपेक्षता का समर्थन किया था। वास्तव में राम मनोहर लोहिया के जो विचार हैं वो अंतरराष्ट्रीयवादी विचार है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विश्व सरकार की संकल्पना भी दी और विश्व के विकास में संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन करने का उन्होंने सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन करना चाहिए। सात क्रांति में अभी आपको पहले शुरू में ही बता चुका हूं, दोबारा उनका समराइज कर देता हूं। रंग भेद के विरुद्ध क्रांति, जाति प्रथा के विरुद्ध क्रांति, स्वतंत्रता के लिए क्रांति, स्त्री पुरुष समानता के लिए क्रांति, आर्थिक समानता के लिए क्रांति, सत्याग्रह के लिए क्रांति और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति। ये सात क्रांति आपकी पांच नंबर के सवाल में आ जाएंगी, सात के साथ याद कर लो, ठीक है ना, और छापे आओ, आपको नंबर आ जाएंगे। अब लोहिया का समाजवाद, लोहिया एक महान समाजवादी थे, इसमें कोई अंतर नहीं। पीडीएफ मिल जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर, टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। राम मनोहर लोहिया एक महान समाजवादी थे, आप टेलीग्राम पर अनअकैडमी जगमोहन द्विवेदी सर को सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। राम मनोहर लोहिया एक महान समाजवादी थे जिनके दर्शन में मार्क्सवाद और गांधीवाद का समन्वय है। राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है, जगमोहन द्विवेदी, भाई वीडियो के शुरू में पूरा डिटेल मिल जाएगा, इस वीडियो के इस सेशन के शुरू में आप इसको दोबारा देखना, सेशन के शुरू में सब मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जो राम मनोहर लोहिया थे, वो राम मनोहर लोहिया वास्तव में क्या करते थे, क्या थे उनके विचारों में, बहुत बड़ी जो समानता है वो समानता वास्तव में उनने क्या किया कि जो गांधीयन प्रिंसिपल ये मैंने कॉपी कर दिया, नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, चैट में भी देख सकते हो आप। तो राम मनोहर लोहिया एक महान समाजवादी थे और वो उनके जो उनका जो समाजवाद था, उनके समाजवाद में मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का दर्शन मिलता है। वास्तव में मार्क्सवादी विचार, पूंजीवादी विचार, गांधीवादी विचार, इन सब का समन्वय है। जहां मार्क्स, कार्ल मार्क्स हिंसा के आधार पर आर्थिक समानता प्राप्त करना चाहता है, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जहां कार्ल मार्क्स हिंसा को स्वीकृति दे देता है, वहीं राम मनोहर लोहिया अहिंसा के आधार पर
समानता प्राप्त करने का समर्थन करते हैं। जहां पर राम मनोहर लोहिया जो पश्चिम का औद्योगिकरण का मॉडल है उसका विरोध करते हैं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था या कृषि आधारित उद्योग हैं उन कृषि आधारित उद्योगों का समर्थन करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों या मशीनीकरण के माध्यम से ना करके मानव शक्ति पर बल दिया जाए, जो छोटी मशीनें हैं उन पर बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक संपूर्ण राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है जब तक आप सामाजिक व्यवस्था में समानता के तत्व को लेकर नहीं आओगे, जब तक सामाजिक आर्थिक समानता नहीं लाओगे अर्थात आर्थिक सामाजिक असमानता को दूर नहीं करोगे, सभी नागरिकों को समान अवसर लेकर नहीं आओगे, तब तक समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जाति व्यवस्था को दूर किए बिना, जाति व्यवस्था को दूर करे बिना समाजवाद संभव नहीं है। वास्तव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वो कहते थे कि समाजवाद में तानाशाही हो सकती है लेकिन हम ऐसे समाजवाद की कल्पना करना चाहते हैं जिसका स्वरूप लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा को लागू करना हो, जिसका आधार लोकतंत्र हो। क्योंकि जो नागरिक समाज है वो लोकतांत्रिक तानाशाही रोकने के लिए है। सरकार का अगर विरोध भी करना है तो विरोध अहिंसा के माध्यम से करना चाहिए, सत्याग्रह के माध्यम से होना चाहिए। समाजवाद की सफलता तभी होगी जब स्त्री और पुरुष के बीच समानता का भाव हो, विकेंद्रीकरण का भाव हो। चोखंबा योजना का क्रियान्वयन जिसके लिए उन्होंने दिया था कि अगर आदमी को समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो चोखंबा योजना लागू की जाए जिसमें ग्राम मंडल और प्रांत और केंद्र इन सबका एक विकास करने की बात होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया के अनुसार जो राज्य है उस राज्य को धर्म निरपेक्षता के आधार पर काम करना चाहिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके आधार पर आप पढ़ाई कीजिए और मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगा, ठीक है ना। ये हमारा वो है टेलीग्राम चैनल का, ये ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल सबसे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है सबसे नीचे, ठीक है ना। अभी ये दिख जाएगी आपको, ठीक। तो अभी जो नेक्स्ट है फिर अपन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इस सेशन में वो सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आपको कवर कर दीजिए कर देंगे, ठीक है ना। अन अकेडमी से भी आप हमसे हमारे साथ जुड़िए, वहाँ पर जो मैं फ्री क्लास लेता हूँ उसमें आप जुड़ सकते हो। फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए मेरा जो कोड है JAGMOHNLIV, इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं कल।